हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू पियानो इंस्ट्रूमेंटल, जहां आपको मिलते हैं म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस। आज आपको म्यूजिक तो मिलेंगे ही, अभी आप वीडियो को आगे मत बढ़ाइए, मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपको कैसियो CTX 870 IN कीबोर्ड में स्प्लिट और लेयर का छुपा हुआ, इसे कह सकते हैं हम लोग छुपा हुआ, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं गारंटी देता हूँ किसी ने नहीं बताया होगा, और मैं आपको बताऊँगा क्या है स्प्लिट और लेयर में छुपा हुआ चीज़, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि ये फंक्शन सिर्फ 870 IN में नहीं, 8700, ये तीनों कीबोर्ड में सेम ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्प्लिट और लेयर, ये आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ, मेन कंट्रोल में बोर्ड के डिस्प्ले के जस्ट नीचे स्प्लिट और लेयर का दो बटन होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ फिलहाल कि स्प्लिट और लेयर क्या है, यदि आपको इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा जानना है इससे पहले कि, तो आप आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। और चलिए अभी फ़िलहाल इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, स्प्लिट आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल कर बता रहा हूँ स्प्लिट का यूज कैसे किया जाता है। तो मैं अभी आपको यदि लग रहा होगा कि मैं कोई सेटिंग किया हूँ, तो कीबोर्ड को ऑफ कर दे रहा हूँ। देखिए कीबोर्ड ऑफ हो चुका है, कुछ भी प्ले नहीं हो रहा है, अब मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो रहा है और ये ऑन हो चुका है। जब ये ऑन हो चुका है तो ये डिफ़ॉल्ट में इसमें पियानो लगी हुई होती है, सुन लिया आप, पियानो डिफ़ॉल्ट होती है। तो हम लोग अब स्प्लिट मान लेते हैं, पियानो को ही हमें स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, तो स्प्लिट का बटन दबाइएगा। तो स्प्लिट करने के लिए एक आपका कोई सा भी टोन यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हमारे में 138 एकोस बास, मतलब कॉर्ड्स के लिए बेस का आ गया है 138 नंबर पे। इसको हम चेंज करना चाहें, स्ट्रिंग यूज करना चाहें, तो इसमें हम 183 स्टीरियो स्ट्रिंग है, यहाँ से अब आप देख सकते हैं, यहाँ से पियानो स्टार्ट और यहाँ से स्ट्रिंग। तो ये तो आप लोग पहले जानते थे, या नहीं जानते होंगे तो जान गए होंगे। और अब इसका स्पेशल स्प्लिट का स्पेशल फीचर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, इसी स्प्लिट बटन को मैं यदि चाहता हूँ कि ये हमारा स्ट्रिंग यहाँ तक नहीं यहाँ तक रहे, तो वो कैसे हम लोग करेंगे, तो इस स्प्लिट बटन को दबाए रखिएगा, तो F#3 लिखा हुआ आएगा वहाँ पर, 54 F#3। मैं यहाँ अगर दबा दूँगा यहाँ तक, इसको दबा करके, तो वो यहाँ हो जाएगा अभी, अब देखिए आप लोग कि हमारा स्ट्रिंग पहले यहाँ तक था, अब यहाँ है, भी हो गया, यहाँ तक, यहाँ से पियानो है, F# तक हमारा हो गया, यहाँ B# तक उनका स्ट्रिंग आ गया, और इससे आगे पियानो। हम इसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ इसे स्प्लिट के बटन को दबा कर रखना है, और जहाँ तक आपको करना है स्ट्रिंग, उसके जस्ट एक बात की दबा देना है, जैसे मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं इसे दबा दूंगा, और आप देखिए यहाँ से पियानो हो जाएगा, इसे पीछे स्ट्रिंग। यदि आप चाहते हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक भी हो जाएगा, देखिए एक बार फिर कर देता हूँ, मैं यहाँ दबा चुका हूँ, अब इससे आगे पियानो है, इससे पीछे स्ट्रिंग। देख लिए आप लोग, और यदि आप फिर से चाहते हैं कि
कि पहले के जैसा यहाँ तक ही स्ट्रिंग रहे और यहाँ पियानो हो। तो इसी स्प्लिट को बटन को दबाए रखिए और फिर से यहाँ प्रेस कर दीजिए एफ शार्प 3 को और फिर से यहाँ से पियानो हो जाएगा और यहाँ स्ट्रिंग। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग स्प्लिट के इस फंक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे और ये बहुत ही काफ़ी अच्छे फंक्शन है जो कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप चाहिए कि यहाँ मैं लेफ्ट हैंड से भी गाना बजाऊँ और राइट हैंड से भी, तो दोनों हाथ से आप प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ भी लेफ्ट हैंड को शिफ्ट कर सकते हैं स्प्लिट की मदद से और राइट हैंड को तो आप ऊपर से भी बजा सकते हैं। तो ये तो हो गई स्प्लिट की विशेष फंक्शन के बारे में। अब जान लेते हैं लेयर के विशेष फंक्शन के बारे में। इसे यदि आप सेव करके रखना चाहते हैं जो अभी आप किए स्प्लिट, तो आप स्टोर बटन को दबा करके और किसी भी बैंक को सेलेक्ट करके उस बैंक में आप सेव कर सकते हैं। फिर आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप रजिस्ट्रेशन बैंक के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं इसका भी लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए स्प्लिट का हो गया काम ख़त्म। काम ख़त्म मतलब अब चलिए लेयर के बारे में समझ लेते हैं। लेयर क्या होता है? लेयर ये होता है कि एक टोन के ऊपर एक और टोन। अब इस ये तो आप लोग जानते हैं, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, या नहीं जानते हैं तो ये भी स्प्लिट लेयर की लिंक में है, मैं आपको वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। और मैं इसका लेयर का स्पेशल फीचर बता रहा हूँ आपको फटाफट कि लेयर का स्पेशल फीचर क्या है। पहले लेयर में पियानो के साथ किसी और टोन को ऐड कर लेते हैं क्योंकि लेयर का काम ही होता है एक टोन के ऊपर दूसरे टोन। तो मैं पियानो के ऊपर एक देखो यहाँ पर N184 लिखा हुआ मेल स्ट्रिंग आ गया है, देखिए आप लोग अभी पियानो के साथ स्ट्रिंग भी चल रहा है। आप लोग कुछ इस प्रकार से लेयर होता है। अब इसका स्पेशल फीचर जान लेते हैं फटाक से। देखिए लेयर के बटन को आप यदि प्रेस कीजिए रखिएगा तो U1 मतलब जो पहले का टोन था पियानो वो आया है, और इसको 3 नंबर की प्रेस कीजिएगा तो U2 जो स्ट्रिंग है सेकेंड वाला वो आएगा। अब आप इसको करके आ सकते हैं कि इसमें आप किसी भी टोन को, मान लीजिए आप किसी भी गाने को सिर्फ ई नोट से बजाते हैं यहाँ से ई माइनर या ई मेजर स्केल में, तो आप यदि कोई भी सिंगर कहीं से भी गाना गा रहा है तो आप यहाँ पर इस नोट को यदि कोई सिंगर यहाँ बी फ्लैट से गा रहा है तो आप ई माइनर पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए U2 में और प्लस वाले बटन को प्रेस कीजिए 1 2 3 4 5 जितना बार प्रेस कीजिए।